वर्ल्ड की टॉप 200 स्नाइपर शूटर्स की एक लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही इंडियन का नाम है दैट इज आवर टूडेज गेस्ट लकी पिश्त ये एक इंडियन सीक्रेट सर्विस एजेंट रह चुके हैं ये फॉर्मर रॉ एजेंट रह चुके हैं ये फॉर्मर एन कमांडो हैं एंड ये पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके हैं टू द टॉप ऑफ द टॉप पॉलिटिशियंस इन द कंट्री इंक्लूडिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी इनसे हमने बात करी है कि इंडियन सीक्रेट सर्विस एंड रॉ एजेंसीज काम कैसे करती हैं कैसे सीक्रेट मिशन को कंडक्ट किया जाता है इंडिया में जी प्लस सिक्योरिटी किन्हें मिलती है इंडियन जेल्स की रियालिटी क्या है इंडियन सीक्रेट सर्विसेज जो होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं कैसे किसी जेल में स्मगलिंग होती है वर्ल्ड वाइड जब स्पाए किसी भी कंट्री में होना इलीगल है इट्स नॉट अलाउड तो कैसे वर्ल्ड की कंट्रीज सारी कंट्रीज अलग अलग देशों में अपने स्पाइस को ऑपरेट करती है इन सब के बारे में हमने बात करी हमारे आज के गेस्ट लकी बिश्ट से जिन्हें एक टैग भी दिया गया था कि वो रॉ हिटमैन है क्योंकि ये इतने ज्यादा ब्रूटली एंड इफेक्टिवली ट्रेन थे ये इंडिया के कुछ गिने चुने स्पेशल कमांडोज में से एक थे जिन्हें इंडिया से इसराइल भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग एंड उस ढाई साल की ट्रेनिंग में ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें ये सिखाया गया था कि चार सेकंड के अंदर विदाउट एनी वेपन कैसे एक एनिमी को मारा जा सकता है इन सब के बारे में हमने आज के एपिसोड में बात करी है इन्जॉय द शो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एट अ ग्लोबल लेवल

तो उसमें आपका नाम आता है ठीक है मतलब वर्ल्ड के टू हंड्रेड स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है और आपको जेल भी जाना पड़ा था तो क्यों जेल जाना पड़ा था एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड उसका नाम पब्लिक में आ सकता है नहीं एक्चुअली क्या है सर देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता डिपेंड करता नाम कौन डालता है देखो उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी तो एक सिंपल था दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ ठीक है या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ एन के लिए देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं ठीक है तो उसमें उस टाइम यू की गवर्नमेंट थी और यू की गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके तो कैसे क्यों आपको ही क्यों पकड़ा राजू पारग और अमित के केस पर ये दोनों कौन थे एक्चुअली दोनों अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं ठीक है दोनों बड़े गैंगस्टर्स और कई केसेस हैं उनके ऊपर मर्डर्स केस तो आम बात है ठीक है लेकिन कुछ आर्म्स पर भी हाथ है इनका ओके तो करते थी। और तो तो करते हैं और और बात थी वगैरह तो बहुत और जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर एक ही गोली से दोनों आदमी ये कैसे हुआ अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर तो इस केस पर मुझे एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर सिंगल बुलेट से कैसे होते हैं मतलब पॉसिबल एक ही कि जिसने भी मारा है जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको जिस आदमी ने भी उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े दो गोली उसने इस, इस, इस डायरेक्शन बनाया कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों के हेड जाना चाहिए करके दोनों के हैट हैट एक साथ एक ही गोली से और कैसे पॉसिबल है मान तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं साइट से ऐसे थे थे। के हिसाब से आप और मैं बैठा हूँ मैं और आप सामने एक दूसरे okay. के सामने बैठे हुए अगर कोई स्नेपर होगा अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो हंड्रेड परसेंट या तो आपके बैक से मुझे मारेगा मेरे बैक से आपको मारेगा से नहीं मारेगा ठीक हाँ। है क्योंकि एक गोली मारने के बाद तो करेगा, तो करेगा, इतनी देर में में। मैं रेडी हो जाऊंगा हाँ। के फर्क तो उसने जो भी एंगल बनाया या तो थ्री 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने ठीक है या मेरे थ्री सिक्सटी बैक पर बनाया तो जो भी उसने पॉइंट रखा उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो एक पावरफुल स्नाइपर नहीं गोली bullets. गोली बहुत पावरफुल है सर गोली के अंदर क्या होता है मैं आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है हुँ. हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के ठीक है आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है पंद्रह मीटर सर फिफ्टीन मीटर पर मेरी तरफ से आप बारह सर भी लेके आ जाओगे तो बारह सर भी उड़ा देगा वो पार कर जाएगा ए के फोर्टी सेवन है तीन तीन सौ गज रेंज है उसका तीन सौ गज में मुझे लगता है अगर हम पंद्रह आदमी भी खड़े होंगे तो पंद्रह को पार कर देगा सर बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर क्योंकि बोन बहुत मजबूत होता है उनको गोली नहीं पार कर पाती एकदम से तोड़ देगी पार नहीं कर पाएगी पर, एक बुलेट से दो लोगों को मार दिया दोनों टॉप गई मुझे मैंने करी किलिंग के लिए उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए क्यों मारूंगा चलो एक कोई मतलब नहीं हम कहीं जानते ही नहीं लेकिन मारेगा क्यों आदमी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए आ गया कि किलिंग का रीजन क्या डालें करके ठीक है कि क्या किलिंग कर? के मतलब हजार लोग और मार सकते थे आप, आप तो, तो तो नहीं, 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 नहीं। क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है ठीक है और मेरी गन का जो लाइसेंस मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है। उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है और दूसरी चीज कि वहां की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट हंड्रेड परसेंट उसके अलावा किसी का नहीं है पहली चीज कि मतलब इस टाइप का शॉट और कोई से था एक ही चीज बोला था। मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया जिस आई ने अरेस्ट किया मुझे एक ही चीज बोलता है देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि तूने मतलब तूने मारा मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा बोला मुझे मुझे मालूम है तूने ही मारा है मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है और क्यों ऐसा बोला उसने एक ही क्वेश्चन किया बोला कि ये शॉट 13 वाला दुनिया में किसने मारा ही नहीं है उसका एक ही क्वेश्चन था सर उसने ये नहीं उसने बोल दिया मतलब से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा है या नहीं मारा मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं तूने क्यों मारा ये 13 वाला किसी और का किलिंग है ही नहीं तो 3 दिन तक रिमांड में रखा 36 घंटे तक वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी आप, अच्छा आप ट्वेंटी कस्टडी में नहीं रख सकते छत्तीस घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा तो फिर आपको जेल में ले गए फिर जब ये नहीं जब उनको कुछ नहीं लगा तो क्या मोटिव लगाए करके मोटिव मोटिव भी तो चाहिए ना अगर दुनिया के अंदर क्या है सब